हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और जानेंगे उस स्टॉक से रिलेटेड क्यों क्योंकि देखिए कुछ टाइम पहले हमने एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी उसका स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूँ श्री राम सिटी यूनियन उस स्टॉक्स का नाम था और अगर हम यहाँ पर देखें तो वो स्टॉक्स हमने यहाँ पर थर्टीन हंड्रेड के आसपास यहाँ पर फोर्टीन हंड्रेड के आसपास यहाँ पर खरीदा था उसके बाद एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दी और हमारे ये स्टॉक्स अच्छा खासा आज की डेट में भी अगर हम देखें मैं तो यहाँ से एग्जिट कर लिया हूं जब ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हो गया था तो हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया था बट अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है ये शेयर और ऊपर जाने के चांसेस है तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और स्टॉक है जो मुझे अच्छा नजर आ रहा है और जिसमें मैं ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग कर चुका हूं और आज की डेट में यहां पर 4% परसेंट वो भागता है। वो भी दिखाई दिया था फ्राइडे को मैंने यहां पर बाइंग करी थी आई फॉरगेट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं पजल हो जाता है एकदम और टाइम भी नहीं मिल पाता बट कोई इशू नहीं है यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो उस स्टॉक से रिलेटेड आज बात करेंगे और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उस स्टॉक में आप बनती हुई नजर आ रही है तो अगर हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करें करें शेयर करे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे और यहाँ पर इतने सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई है वीडियो को देखिए एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है बेस्ट बाइंग वैल्यू वाला एक स्टॉक फाइव पैसा कैपिटल यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है चार के आसपास चल रहा है एक

हुए नजर आते हैं और आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन यहां पर आगे बढ़ने वाला है तो यहां पर इस ये, ये, ये लोन लिया जाएगा ट्रैक्टर यहां पर क्या, किसानों के लिए यहाँ पर पी यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाई रही है यहाँ पर ट्रैक्टर यहाँ पर कृषि को और ज़्यादा बढ़ाया जाए इसलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड भी लोन लिया जाएगा पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर ई आने वाली है तो याद रखिएगा ई के केसेस में यहाँ पर इस कंपनी की चांदी होने वाली है तो इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखिएगा इसके अलावा बिजनेस लोन ये देती है डिपोजिट्स ये कंपनी करती है फिक्सड फिक्सड डिपोजिट रिक डिपोजिट और यहाँ पर सर्विसेज एज वेल एज यहाँ पर बात करें वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये यहाँ पर लोन देती हुई नजर आती है

यही आपको इतनी आरोप दिखेगी डेट की बात करें डेट हम यहाँ पर काउंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर लोन का ही इनका काम है और यहाँ पर हम बात करें इस क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें पर देख सकते हैं पर, पर तो एक साइड बेस चलती हुई नजर आएगी या फिर बढ़ती हुई और बात करें तो एक तो क्वार्टर में साइड बेस चलती है फिर बढ़ती है फिर साइड

हजार तीन सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें सोलह हजार चार सौ बयालीस करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी सी सारी इस क्वार्टर में कम करती हुई दिखाई दी है प्रोमोटर्स की इसके अलावा एफ की बात करें तो एफ की होल्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है बट जो भी होल्डिंग इधर से गई है और इधर से गई है वो किसने उठाई है वो उठाई है डी ने डी की बात करें यहाँ पर छह से परसेंट कर लिया है तो यहां पर एटलीस्ट होल्डिंग यहाँ पर से गई जरूर है प्रोमोटर्स एफ आई के हाथ में अच्छे खासे हाथों में गई है वो भी के होल्डिंग है तो देखिए एल के पास अच्छी खासी होल्डिंग है एस बी आई म्यूचुअल फंड एच ट्रस्टीज इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है एफ आईज बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पर एफ आईज पर दिखाई देते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में अब बात करते हैं इसके कुछ चार्ट पैटर्न की तो हम यहाँ पर आते हैं इनके एक चार्ट पैटर्न से में तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये शेयर यहाँ पर पिछले काफी टाइम से एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है लगभग लगभग लग आठ महीने हो गए हैं ये कंपनी इसी चीज में यहाँ पर देखिए जेन जैन में भी इसी लेवल पर थी और अगेन अगर बात करें तो इसी लेवल पर ये कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और एक सपोर्ट की बात करें तो नीचे से सपोर्ट देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है इससे नीचे जाना एक बहुत बड़ी इनके लिए दुविधा हो जाएगी और इसके ल, इससे पहले भी अगर यहाँ पर जब ये नीचे गई थी यहाँ पर तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आई थी इसके जो प्रीवियस सपोर्ट थे और अभी की बात करें तो इसने यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट अभी लिया है जो कि इसका पहले पेंडेमिक से पहले यहाँ पर शेयर था उसी लेवल पर आपको मिल रहा है आप समझ रहे हैं, आप ये शेयर किस वैल्यू पे मिल रहा है, है डेढ़ साल से ज्यादा नजर, अच्छा नजर, नजर, अच्छा नजर आएगा इसने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और अच्छे खासे आर एस आई पे फिफ्टी थ्री के आर एस आई पे उठाया था मैंने यहाँ पर एक दिन पहले उठा लिया था आज जो चार परसेंट यहाँ पर है तो उसका एक फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया था बट अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और इस शेयर की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा पर चार्ट पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम इसे एक बार देख लेते हैं उसी प्रीवियस चार्ट पैटर्न को तो यहाँ पर देखिए अभी देखिए एनबीएफसीज़ या फिर दूसरे जो हम बात कर रहे हैं शेयर ओके वो चलते हुए नजर आ रहे हैं मतलब अगर हम यहाँ पर देखें आ, तो एन बी एफ सीज भी चलती हुई नज़र आ रही है बैंक्स यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैंक्स ने चलना शुरू कर दिया फाइनेंस सेक्टर भी पीछे नहीं रहेगा फाइनेंस ऑलरेडी बजाज तो भागी रहा है यहाँ पर दूसरे सेक्टर भी भागते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कप बनाया था इसके बाद यहाँ पर एक शोल्डर सॉरी यहाँ पर एक है, आ, हैंडल बनाया और हैंडल बना के यहाँ पर ये शेयर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था बट फिर दोबारा यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर बात करें फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया फिर यहाँ पर नीचे आया फिर ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आया दुबारा अगर हम बात करें मिनिमम इसके लेवल की फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो पहला टारगेट तो इसका इसका पर 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 नजर आता है है हमें जो कि हाईएस्ट लेवल अगर देखिए तो तो पर टारगेट ये नजर आते हैं बट ऐसी चीजें रुकने नहीं वाली अगर इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पर टारगेट को देखते हैं ना तो ये शेयर हमें और ज्यादा भागता हुआ दिखाई देता है और वो कितना भागता हुआ दिखाई देता है वो जो इसके टारगेट नजर आते हैं ये शेयर अच्छा खासा आपको टारगेट देता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ पर से इसे रख देते हैं एक बार तो इसके जो टारगेट नजर आ रहे वो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए तो इसके टारगेट नजर आ रहे कितने 2200 तो मतलब 2200 रुपए तक ये शेयर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है तो इसे थोड़ा सा मान के चलिए ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे गई सुनर और लेटर थोड़ा सा हो सकता है डिले हो बट ऐसे टारगेट अचीव होते ही होते हैं इसमें आ, कोई यहाँ पर रोक टोक होती नहीं है थोड़ा सा टाइम लग सकता है 66% परसेंट के यहाँ पर गेन है अगर ये 66% परसेंट की गेन एक साल में भी आपको मिल जाते हैं तो आपके अच्छे खासी परसेंट के यहाँ पर सी होगी और अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे पहला टारगेट यहाँ पर फिफ्टीन के लिए है। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट यहाँ पर नजर आता है ओके जो कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है यहाँ पर सोलह सौ सत्ताईस रुपए का फिर उसके बाद यहाँ पर और एक चार्ट पैटर्न बना के और और ऊपर निकलते हुए नजर आएगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है सिंपल आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ पर चुन सकते हैं फाइनेंस सेक्टर और सभी सेक्टर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं वॉल्यूम अच्छे खासे आ रहे हैं चौदह लाख शेयर आज की डेट में भी ट्रेड हुए हैं आज की डेट में चार भागा है आगे चल के और बैंकिंग फाइनेंस भागेंगे क्योंकि वो अंडर परफॉर्मर है ऐसे uh, ही चलती है साइकिल्स जो अंडर परफॉर्मर होते हैं कभी ना कभी भागते हैं और जो ओवर uh, uh, वेट होते हैं वो गिरते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर आईटी uh, कंपनी ज्यादा भाग चुकी है तो थोड़ी बहुत गिर यहाँ पर पीछे कदम लेती हुई नजर आ रही है और बैंकिंग जो फाइनेंस सेक्टर है वो आगे की तरफ नजर भागते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए अच्छे अच्छे शेयर्स को जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जिनकी हिस्ट्री अच्छी खासी है जो अच्छे खासे यहाँ पर नंबर्स दिखाते हैं जिनके बैलेंस शीट अच्छी खासी है उन्हें अपने जो नामी ग्रामी कंपनी है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एड सुनर और ले दिखाई देंगे और पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पर दूसरी वीडियोस को जाकर चेक करिए देखिए और शेयर करिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस